हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन ऑफ मैरी माय हस्बैंड एपिसोड नंबर 3। सो गाइस, एपिसोड नंबर 1 एंड 2 इट वाज टोटल ब्लास्ट। मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये के ड्रामा इतना अच्छा निकल के आ सकता है। एंड व्हाट इज शॉकिंग कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाइन बो इस रोल में इतना ज़्यादा फिट होगा, इतना ज़्यादा सूट होगा। बिकॉज एट फर्स्ट जब मुझे पता चला था कि नाइन बो विल प्ले द मेन लीड रोल, सो आई वॉज लाइक कि हो सकता है वो सूट ना करें। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेटर इस रोल में और कोई लग ही नहीं सकता है। बिकॉज जो वॉन्ट है उस कैरेक्टर की, वो है एक स्टेबिलिटी भरा फेस जो कि नाइन वो एकदम स्ले कर रहा है। तो नाइन वो की और अप्रिसिएशन और इस के ड्रामा में जो भी फ्लॉ है उसके बारे में मैं अपने रिव्यू वीडियो में बात करने वाली हूँ, जो शायद मैं कल रिलीज करूंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दैट एंड इनफ वेस्टिंग टाइम, चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो जैसे कि हमें पता ही है, कांग जी वॉन्ट के स्कूल रियूनियन पार्टी में कांग जी वॉन्ट, जो कि जाने के लिए रेडी नहीं होती है, विदाउट हर नोइंग उस पार्टी में पहुंच जाती है जब उसकी फ्रेंड सुमिन उसे झूठ बोल के उस पार्टी में बुलाती है। और तो और, सुमिन जो उसे ज्वेलरी पहनने के लिए देती है वो तक रेप्लिका होती है, जिसके बारे में जो योक उसे पहले ही अवेयर कर देता है। प्रीवियस लाइफ में किया था, इस लाइफ में भी किया था। तो जो भी मिस्टेक कांग जी वॉन्ट ने पास्ट लाइफ में किया था वो उस चीज को वापस से रिपीट नहीं करेगी। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू, कांग जी वॉन्ट एकदम रिटेलिएट करेगी, एकदम बैक करेगी टुवर्ड्स एवरीथिंग। सो पास्ट लाइफ में जैसे वो एकदम बुरी ड्रेसिंग में भी डुप्लीकेट ज्वेलरी गई थी, वो ऐसा नहीं करेगी। वो विद द हेल्प ऑफ हर कलीग, जो कि उसकी न्यू फ्रेंड है, वो कांगजी वॉन को पूरा न्यू मेकओवर अडेप्ट करने में हेल्प करेगी, लाइक उसके हेयर कट करना, उसका मेकअप और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस सिलेक्ट करना। सो विद द हेल्प ऑफ हर कलीग, कांगजी वॉन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ड्रेसअप होगी और स्कूल रियूनियन पार्टी को अटेंड करने के लिए जाएगी। सो जैसे ही कांगजी वॉन उस पार्टी में पहुंचेगी, सबके सब कांगजी वॉन के अंदर जो चेंजेस आए हैं देख के एकदम शॉक हो जाएंगे। बट एक और इंसान है जो सबसे ज्यादा शॉक होने वाला है, वो है जंग सुमिन, जो कि देख के शॉक से ज्यादा डिसअपॉइंट होगी कि कांग जुआन इतना अच्छा दिख रही है या फिर इतना बोल्ड बिहेव कर रही है सबके सामने। तो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी खत्म होने के बाद जंग सुमिन और कांग जुआन दोनों दे विल पार्ट देयर वेज, और यहाँ पर सुमिन एंड मिन हुआन विल एंड अप टुगेदर अलोन। तो यहाँ पर जब दोनों तकबुकी खा रहे होंगे, तब मेरे ख्याल से दे विल हैव लिटिल बिट फीलिंग्स फॉर ईच अदर, जो कि हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, मिन हुआन और जंग सुमिन। उसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू के जे ह्योक अपने ग्रैंडफादर को बता देगा कि उसको किसी के लिए फीलिंग्स है, और हमें ऑलरेडी पता है कि उसको किसके लिए फीलिंग है। उसको कांग जी वॉन के लिए फीलिंग्स है, जो कि उसने अभी तक कांग जी वॉन को तो बताया है नहीं, बिकॉज कांग जी वॉन इज स्टिल कमिटेड। और जब उसके ग्रैंडफादर को पता चलेगा कि उनका ग्रैंडसन किसी में इंटरेस्टेड है, तो वो किसी को तो ऑर्डर देगा कि पता लगाओ कि उसको किस में इंटरेस्ट है। और इसके अलावा एज सच हमें प्रीव्यू से तो जी ह्योक और कांग जी वॉन के टुगेदर कितने सीन है वो देखने के लिए मिले नहीं। लेट्स होप कि ज्यादा से ज्यादा सीन हो दोनों के टुगेदर, बिकॉज वी आर टोटली एंजॉइंग देयर केमिस्ट्री। उसके अलावा एक और अनोइंग सा कैरेक्टर है जिसकी एंट्री होने वाली है अपकमिंग एपिसोड में, जो कि है ये बंदा, जिसको मेरे ख्याल से स्कूल टाइम पे जीवन के ऊपर क्रश होगा। और जब वो स्कूल रियूनियन में देखेगा कि जीवन इतने ब्यूटीफुल है और वो इतनी अच्छी दिख रही है, ये बंदा पार्टी के बाद कन्फेस कर देगा जीवन से उसकी फीलिंग को। सो लेट्स होप कि जीवन का दिल थोड़ा वेव ना हो जाए, बिकॉज जी ह्यूक ऑलरेडी उसके साइड है और उसने ऑलरेडी अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है कांग जीवन को, अगर उसे नजर आए तो शी विल बी एबल टू सी। सो लेट्स होप गाइस कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें ज्यादा से ज्यादा जी ह्यूक और कांग जीवन के सीन्स देखने मिले, बिकॉज आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि एपिसोड नंबर 1 में काफी सीन्स थे उन लोग के, बट एपिसोड नंबर 2 में इतने सीन्स नहीं थे। बट जितने भी सीन्स हमें मिले हमारे लिए उतना ही काफी है गाइस, क्योंकि वो छोटे छोटे सीन्स भी काफी इंप्रेशन छोड़ रहे थे फुल एपिसोड पे। तो ये था एपिसोड नंबर 3 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन ऑफ मैरी माय हस्बैंड, एंड आई होप आप लोग को पसंद आया हो। एंड इफ इट डिड, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल दैट टाइम अनयोंग।